नमस्कार, मैं अमरेंद्र तिवारी ऑल टाइम पब्लिक इंडिया पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबके मन में इस वक्त एक बड़ा ही अहम सवाल है कि आर्थिक गतिविधियां जो पिछले कुछ दिनों से बंद थी, क्या लॉकडाउन 2 में 20 तारीख के बाद यानी कि 20 अप्रैल के बाद चालू हो पाएंगी। झारखंड के भी अलग अलग जिलों से जो खबरें आ रही है उसमें सबसे ज्यादा दुविधा है, लोगों के मन में एक बड़ा सवाल है कि क्या बोकारो में इतने केसेस के बाद, रांची से इतने केसेस के बाद, क्या इन जिलों में आर्थिक गतिविधियां या सामाजिक गतिविधियां चालू होंगी या नहीं होंगी। तो सबसे पहले तो एक गुड न्यूज है कि इन जिलों को हॉटस्पॉट के रूप में शामिल नहीं किया गया है। बड़े हॉटस्पॉट यानी कि रेड जोन में शामिल अभी इस वक्त जो है केंद्र के गाइडलाइंस के अनुसार से ये जिले नहीं है, बल्कि हॉटस्पॉट में ये क्लस्टर के रूप में जो है ये जिले चिन्हित हैं, या रांची हो या बोकारो, दोनों जिले क्लस्टर हॉटस्पॉट के रूप में चिन्हित हैं। यानी कि इन जिलों में एक ही जगह से ज्यादा केसेस हैं, चाहे वो बोकारो का हो चाहे वो रांची का हो। तो हिंद पीढ़ी के इलाकों में तमाम गतिविधियां जो है वो बंद रहेगी। ठीक इसी तरीके से बोकारो में किसी खास प्लेस पर ही तमाम गतिविधियां जो है वो बंद रहेंगी, लेकिन कमोबेश जो है जिलों के अंदर जो है बाकी चीजों को लेकर, मनरेगा काम हो या फिर रोड बनाने का काम हो या फिर अपार्टमेंट्स का काम हो, ये सारी चीजें जो है हो सकती है कल से इसमें छूट मिलेगी। सरकार और भी गाइडलाइंस लेकर आएगी और केंद्र सरकार की जो गाइडलाइंस है ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन और रेड जोन को लेकर, उसमें भी लगातार जो है केंद्र सरकार हर सोमवार को कर रही है कि वो समीक्षा करेंगे। कुरियर फैसिलिटीज पर भी बात हो रही है, जिस तरीके से कहा गया था पहले कि कॉमर्स जो साइट्स हैं वो अपना सामान बेच सकेगी, लेकिन फिर से एक बार जिस तरीके से आपने देखा कि जो पिज्जा डिलीवरी बॉय वाला जो मामला है उस दिल्ली में, उसके आने के बाद जो है फिर से इसमें एक पेच लग गया है। अब अगले आदेश तक जो है गैर जरूरी सामानों की डिलीवरी नहीं होगी, यानी एसी, टीवी, फ्रिज, कूलर, मोबाइल या फिर जो भी कपड़े हो गए, गैर जरूरी जो सामान हैं उनकी जो श्रेणी बनी है उसकी डिलीवरी जो है अभी ई कॉमर्स साइट से नहीं की जाएगी। यानी कि झारखंड के लिए भी एक खुशखबरी है, अभी उनके सारे जिले जो हैं एक तरीके से बड़े रेड जोन में शामिल नहीं है केंद्र की अभी जो लिस्ट है उसमें से। और संथाल परगना के अंदर तो एक भी जो है एक तरीके से यहां पर पूरा का पूरा एक तरीके से संथाल के जिलों में ज्यादातर देवघर हो गया, आप देख लीजिए गोड्डा हो गया, साहेबगंज हो गया, दुमका हो गया, यहां पर जो है बिल्कुल काम होगा। सरकार ने जो तय किया है मनरेगा से रिलेटेड यहां पे वर्क होंगे, निर्माण कार्य भी होगा और भी जो निर्देश आएंगे सरकार की तरफ से वो हम लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। सभी के मन में यही भ्रम है, तो आर्थिक गतिविधियां जो है वो किस तरीके से जारी रह सकती है, दुकान को लेकर भी बात हो रही है कि दुकान खुलेंगे या नहीं खुलेंगे। तो दुकान खुलेंगे बिल्कुल, आप निश्चिंत रहें। जो मुख्य बात आपको करना है इस चीज को आप समझिए कि ये जो रेड जोन है, ये जो ऑरेंज जोन है, ये जो ग्रीन जोन है, इसकी रेटिंग्स का जो आधार बनाया गया है उस जगह पर केसेस के हिसाब से, यानी कि अभी भी आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है ताकि सिक्योरिटी पूरी तरीके से रहे। और अगर इन एरियाज में केसेस मिलते हैं तो फिर जो है केंद्र सरकार के गाइडलाइंस के अनुसार से ये फिर रेड जोन में भी जा सकते हैं, यहां से छूट जो है वो वापस भी आ सकती है। अगर कोई ऑरेंज जोन का जो जिला है अगर वहां पर जो है पिछले 14 दिनों में कोई केसेस नहीं आते हैं तो वो अपने आप ही ग्रीन जोन में बदल जाएगा, और जो रेड जोन का जिला है अगर वहां पे 14 दिनों में कोई केसेस नहीं आते हैं तो वो भी जो है ऑरेंज जोन में आएगा और धीरे धीरे उसके बाद जो है उसकी रेटिंग पूरी तरीके से ग्रीन जोन में आ जाएगी। तो ये एक पूरा जो है सरकार ने पैटर्न बनाया है, सरकार की तैयारियां हैं और झारखंड की सरकार भी, हेमंत सोरेन की सरकार लगातार अपनी उपसमिति जो उन्होंने बनाई है उसके निर्णयों की उसके अनुसंधान के मुताबिक आगे बढ़ने के लिए तैयार है। ईंट भट्टा को लेकर भी बड़ा नोटिफिकेशन है, मछली मारने को, मछली बाजार में बेचने को लेकर, पोल्ट्री प्रोडक्ट्स को लेकर, दूध मार्केट को लेकर, ये सारी चीजें जो है अब कल से यानी कि 20 तारीख से खुली रहेंगी। आर्थिक गतिविधियां भी अलग अलग जिलों में जो है वो चालू हो जाएंगी। बोकारो और रांची पर जो है लोगों को सस्पेंस लग रहा था, लेकिन उनके लिए एक अच्छी खबर यह है कि अभी ये दोनों जिले बड़े रेड जोन में शामिल नहीं हुए हैं, क्योंकि यहां का एक पर्टिकुलर इलाका ही ज्यादा पेशेंट को जो है वो कर रहा है। तो धनबाद में भी दो पेशेंट आ चुके हैं, आपने देखा कि रेल कर्मी भी वहां पर पीड़ित हो गए हैं। इसके बाद और सख्ती बढ़ा दी गई है, पूरे 3 किलोमीटर के एरिया को सील कर दिया गया है, सैनिटाइजेशन की बात हो रही है। और जो ऑफिस कल से खुलेंगे
वहां पर सी और डी ग्रेड के कर्मचारी की उपस्थिति जो है वो एक सीमित कर दी गई है। आईटी सेक्टर्स के भी ऑफिस खुलेंगे और जो ऑफिस खुलेंगे वहां पे साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाएगा। लार्जर मीटिंग जो है वो नहीं होगी, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा जाएगा, ऐसा सरकार का कहना है। सरकार ये भी कह रही है कि जब जो मजदूर भाई बाहर से आएंगे उनके स्वास्थ्य की व्यवस्था, उनके रोजगार की व्यवस्था सरकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट थी। रांची बोकारो में भी आर्थिक गतिविधियां शुरू हो सकती है और होंगी ही, क्योंकि ये बड़े जोन में जो है अभी शामिल नहीं हुआ है, क्लस्टर है यहां पर। तो इट्स रेडी टू स्टार्ट इकोनॉमिकल एक्टिविटीज इन पर्टिकुलर सिटीज जहां पे ये सारी चीजें। तो फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगे तो फटाफट लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की वीडियो हम हमेशा से लाते रहते हैं आपके बीच। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जोहार झारखंड।